सांगलीत पुरानं थैमान घातलं होतं तर पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी सैन्यानं पुढाकार घेतलाय. याच संदर्भात आमचे प्रतिनिधी स्वप्नील यांनी लष्करातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधलाय, पाहूयात. गेल्या 6 दिवसापासून सांगलीमध्ये महापुरानं थैमान घातलं होतं. या महापुराच्या तडाख्यातून वाचवण्यासाठी लष्कर असेल, NDRF टीम असेल, रात्रंदिवस कार्यरत होती. आपल्या समोर आहे मेजर साहेब, यांच्याशी आपण बचाव करायचं. सर, सांगा कशा प्रकारे आपण बचाव करायचं? अभी लास्ट 3 दिन में हमने 11,000 के करीब आदमियों को निकाले और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि 7 से 8 हज़ार मैक्सिमम लोग अंदर हैं, परंतु इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जैसे कल मैं खुद गया था, तो कुछ लोग अभी नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि मौसम खुल रहा है, पानी भी वापस जा रहा है और राहत सामग्री भी आ रही है. तो अभी काफ़ी लोग हैं जो कि अपने घरों में ही रहना चाहते हैं, परंतु स्थिति मेरे को लग रहा है कि 48 घंटे या 72 घंटे में काफ़ी अच्छी होगी. हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 5 तारीख से ज़्यादा स्पीड पकड़ा था, तो 5 से लेके आज 11 लगा लो 6 दिन से चल रहा है और मेरे को लगता है कि अभी 3 दिन और कम से कम चलेगा. पर वो सिर्फ रेस्क्यू है, रिलीफ ऑपरेशन और लोगों को राहत सामग्री, उनको मेडिकल हेल्प, उनको सांत्वन देना, वो सब काम मेरे को लगता है और भी दिन चलेगा. तर हे होते मेजर ह्यांनी लष्कराच्या माध्यमातून अनेक शहरामध्ये गावामध्ये जी पाणी आलं होतं त्या ठिकाणी अडकलेल्या लोकांना आता सुरक्षितपणे बाहेर काढलं. स्वप्नील एरंडोलीकर, AM News, सांगली.